हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड, ये क्या है दोस्तों? एक कंपनी है और वो आज मार्केट में 70% गिर गई, 70% क्रैश हो चुकी है, जिसके कारण शेयर होल्डर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। काफ़ी नेगेटिव कमेंट देखने को मिले, ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, क्या कैसा क्या, मतलब क्योंकि पूरे पोर्टफोलियो में क्या हुआ, काफ़ी बड़ी गिरावट आई, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो पैसा है दोस्तों, वो कहाँ पर दिखा, मदरसन सुमी में डाउन होते देखने को मिला। तो जिसके कारण दोस्तों जो शेयर होल्डर थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। अब दोस्तों कैसे परेशान हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये सब चीज़ आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ उस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ मैं आपको बोलने वाला हूँ, अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डेली बेसिस पे इसी प्रकार का बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। चलिए सबसे पहले आज मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, 135 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो ये दिख रहा है। और ओवरऑल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी ज़ोरदार हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हो परफॉर्मेंस भी बहुत ज़ोरदार है, यहाँ पर आपको कुछ गिरावट नहीं दिख रही है, लेकिन दोस्तों एक जगह काफ़ी बड़ी आपको गिरावट दिखेगी। आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म के डीमैट में अगर आप मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड का शेयर देखेंगे तो वहाँ पर गिरावट दिखेगी, और वहाँ पर जो प्रीवियस क्लोज है ना दोस्तों, वो आपको और कुछ दिखेगा। यहाँ पर 135.65 रुपये का दिख रहा है, वहाँ पर और कुछ दिखेगा। यहाँ पर मात्र दोस्तों 0.33% की गिरावट दिख रही है, लेकिन वहाँ पर और कुछ गिरावट दिखेगी। तो चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी मार्केट में आज के दिन नहीं आई है। आज तक आपको मदरसन सुमी कंपनी दिख जाएगी मार्केट में, लेकिन कल से नहीं दिखेगी, कल से आपको ये कंपनी दिखेगी। अब देखिए यहाँ पर 73% की गिरावट है, प्रीवियस क्लोज यहाँ पर क्या लिया है, 234.80 रुपये। आप कहीं पर भी जाके देखेंगे किसी भी ब्रोकरेज हाउस के डीमैट अकाउंट में, तो आपको यही प्रीवियस क्लोज दिखाएगा, किसका, मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड का, ना कि इसका, ठीक है। इस प्राइस के अकॉर्डिंग उसको सेटलमेंट किया गया है, ठीक है, इस प्राइस के अकॉर्डिंग। और उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये ओपन कितने पे हुआ, 65.20 रुपये, और जाके सडनली 48.45 रुपये का अपना 52 वीक का हाई लगा दिया और 61.95 रुपये का लो लगा दिया, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लगभग 3 करोड़ क्वांटिटी का वॉल्यूम देखने को मिला, इतनी क्वांटिटी आज ट्रेड हुई, ठीक है। आज के दिन ये कंपनी मार्केट में आई है और आज के दिन ही मार्केट में दोस्तों इसने 52 वीक का है, 52 वीक का नो लगाया। अब आप लोगों को तो पता ही है कि क्या हुआ, पहले दोस्तों मदरसन सुमी सिस्टम में से एक कंपनी डीमर्ज हुई, ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक बिज़नेस अलग हो गया था मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड के जितने भी बिज़नेस बचे, एक वो कंपनी बची, ठीक है, और इसकी जो पेरेंट्स कंपनी थी, किसकी, मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड की, वो थी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड इसमें आके मर्ज हो गई, तो ये दो कंपनी आके मार्केट में क्या हो गई, एक बन गई, जिसका प्राइस क्या है दोस्तों, ये करेंट वाला ये प्राइस रहा है, ठीक है, 61.95 रुपये। अब बोलोगे कि आप लोगों के पास, हमारे पास जो मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड के इतने शेयर थे तो हमारा क्या होगा, क्या हमें बोनस मिलेगा, तो डेफिनेटली हाँ, लेकिन अभी नहीं, इसको सेटलमेंट होने में 1-2 दिन या 1 हफ्ते भी लग सकते हैं। अब देखिए आपके पास अगर मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड के, मतलब पुरानी कंपनी का एक शेयर था, तो आपको मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड का एक शेयर मिलेगा, तो आपके पास 2 हो जाएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये देखने को हमें मिल रही है। कंपनी इन्फॉर्मेशन पे भी आप देख सकते हो, खैर यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, यहाँ पर देखते हैं, देखिए मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड ये कंपनी आप दिख रही है, आज के बाद नहीं दिखेगी, ठीक है। आप देख सकते हो कंपनी इन्फॉर्मेशन, ये देखिए डी मर्जर हुआ था 14 जन को, मतलब एक बिजनेस इसका अलग हुआ था 14 जनवरी को, फिर उसके बाद आज की डेट में कंपनी क्या हो गई, मर्ज हो गई, क्योंकि 28 मार्च को कंपनी का रिकॉर्ड डेट सामने रखा गया था, ठीक है। तो परेशान आप लोगों को नहीं हुआ है, ये सेटलमेंट हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है, सेटलमेंट हुआ है। और कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट भी आया है, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिजनेस स्टैंडर्ड की साइट के ऊपर लाया हूँ, अब मदरसन सुमी सिस्टम लिस्टेड आफ्टर डी मर्जर, ठीक है, डी मर्जर होने के बाद दोस्तों कंपनी लिस्टेड हुई है मार्केट में,
तो फिज 5% लोअर सर्किट, मतलब गिरावट के साथ 5% का लोअर सर्किट रहा है। तो अगर आप देखें तो मदरसन सुमी क्या काम करती थी, ये एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी थी, लेकिन अब वो बायरिंग में आ चुकी है। तो बायरिंग के ऊपर एक अपडेट आया है, ये बायरिंग के ऊपर अपडेट आया है ना, तो जिसके ऊपर दोस्तों क्या है, हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हो कि जो MSL, जिसे हम मदरसन सुमी मतलब सिस्टम लिमिटेड के नाम से जानते थे, ठीक है, उसके रेशियो क्या है, 1:1 का, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए MSWIL, जिसे हम दोस्तों मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के नाम से जानते हैं, इंजॉय मार्केट लीडरशिप इन द इंडिया वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री। मतलब दोस्तों इंडिया की जो वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री है, ठीक है, उस पर क्या करती है दोस्तों, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड क्या दोस्तों करती है, लीडरशिप करती है। इसके पास दोस्तों लगभग 40% मार्केट शेयर है, 40% बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठी है 40%। अब इतना बड़ा अगर मार्केट लेके बैठी है तो कितना पैसा आगे फ्यूचर में कमाएगी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि पैसेंजर व्हीकल, आपने देखा होगा पैसेंजर व्हीकल अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वायरिंग की ज़रूरत थी, अब यहाँ पर भी वायरिंग की ज़रूरत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिमांड जिस कदर बढ़ेगी ना, उस कदर इसको और भी फायदा होगा, ठीक है। साथ में और अपने बिजनेस में कुछ बदलाव कर सकती है। अब पैसेंजर व्हीकल, जो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कार रहती थी, ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पर बैटरीज वाली कार रहेगी। तो बैटरीज भी दोस्तों कंपनी क्या कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, ये इसके बिजनेस में एक नया मॉडल ऐड कर सकती है, जिसके कारण क्या हो सकता है, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड का जो स्टॉक है वो भाग सकता है। क्यों भाग सकता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी हर क्वार्टरली सेशन में एक अच्छा खासा रेवेन्यू दिखाएगी, ठीक है, उसके साथ ही जो इसका अच्छा खासा मार्केट में पहले भी परफॉर्मेंस था, वैसे भी अगर कंटिन्यू रहा तो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाएगी। उसके बाद दोस्तों अभी हैवी पैसेंजर आपने देखे होंगे, ठीक है, हैवी व्हीकल वाला जो पैसेंजर रहता है, ठीक है, जैसे ट्रक, ऑटो, टेम्पू, ये अभी दोस्तों अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेगमेंट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो इसकी भी डिमांड को कैप्चर करने के लिए इसकी पूरी प्लानिंग है, ठीक है, किसकी, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड को। उसमें जैसे ही डिमांड दिखेगी, ये अपने आप को ही क्या करेगी, उस कदर डाल लेगी और उसके जो डिमांड है उसको भी फुलफिल कर लेगी और उस कदर उसका भी मार्केट क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी, ठीक है। अब देखे इट्स इंजॉय एक्सेस द टू वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, ठीक है, जेवी मतलब जॉइंट वेंचर बिटवीन सुमितो वायरिंग सिस्टम, ठीक है, सुमितो वायरिंग सिस्टम के साथ इसका जॉइंट वेंचर भी है। वहाँ से भी दोस्तों एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस को देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि इनका जॉइंट वेंचर हुआ है वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से, ठीक है, जॉइंट वेंचर जो सुमितो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड है, जो अपना पूरा टेक्नोलॉजी है वो इस मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड में प्रोवाइड करती है। तो हमारे लिए देखा जाना दोस्तों तो मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड जो कंपनी मार्केट से हटी है, उसकी जगह मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड आई है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हमें देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों कुछ फंडामेंटल कंडीशन प्रीवियस की देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड, और इस प्रकार से दोस्तों कंपनी की तरफ से इतना बड़ा शानदार अपडेट आया था। अब देखिए 61,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है, पी अर्निंग रेशियो भी बहुत है, रिटर्न ऑन एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी सब हमें बहुत जोरदार देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो नीचे क्वार्टरली रिजल्ट, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक का प्राइस अब मात्र 60 रुपये पर आ चुका है, ठीक है। अभी ये 100-125 रुपये का वाला कंपनी दिख रहा है, लेकिन कल से ये नहीं दिखेगा, क्योंकि सेटलमेंट होगा और कल से आपको बंद हो जाकर देखना। तो दोस्तों 60-70 रुपये के स्टॉक पर क्या हम फोकस करें या नहीं, ठीक है, जिन्होंने फोकस नहीं किया, जिनको ये रेशो के हिसाब से बोनस मिला, उनको मजा नहीं आ रही होगी, क्योंकि अब पेनी स्टॉक सामने आ चुका है उनके 60-70 रुपये वाला, क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न सामने यही रहेगा। तो देखिए सेल्स देखिए कंपनी का कितना जोरदार दिख रहा है, सेल्स देखिए आप तो दिसंबर क्वार्टर में कितना शानदार सेल्स, ऑपरेटिंग इनकम देखिए दिसंबर क्वार्टर में कितना जोरदार, ठीक है, और नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ वो भी बहुत जोरदार। सालाना तौर का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, ये देखिए सालाना तौर का परफॉर्मेंस आपको दिखेगा, मार्च 2010 में कंपनी ने लगभग 6,700 करोड़ की सेल्स की थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आज वही सेल्स दोस्तों लगभग यहाँ पर 57,000 करोड़ पर आ चुकी है, ऑपरेटिंग और प्रॉफिट देखिए 10 गुना तेज़ी से ग्रो किया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट आपको कम दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर पेंडेमिक का थोड़ा दबाव हमें देखने को मिला था।
साथ में अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज कितनी शानदार तेज़ी से इन्होंने अपनी जो सेल्स है वो ग्रो की थी, क्योंकि दोस्तों इस इंडस्ट्री में 40% का मार्केट कैप लेके बैठी है, ठीक है, वायरिंग वाला बिजनेस। तो अब यहाँ से कितना ज़ोरदार परफॉर्मेंस होगा। अभी तक तो ऑटो कंपोनेंट में काम करती थी, लेकिन अब वायरिंग इंडस्ट्री में काम करेगी। 10 साल पहले 21% यहाँ पर सेल्स थी, और अभी करंट में थोड़ा सा पेंडेमिक के कारण कम हो गई थी। पर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 171% है अभी करंट में, है एकदम जोरदार प्रॉफिट, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ, ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है, ये आपको देखने को मिलेगा। प्रमोटर्स का स्टेक, FII भी जोरदार स्टेक होल्ड करते हैं, DII का भी अच्छा खासा स्टेक, और पब्लिक के पास भी एक अच्छा खासा स्टेक है। तो है ना एकदम धमाकेदार कंपनी मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड। खैर अब ये कंपनी नहीं रही है, अब ये दोस्तों मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। तो दोस्तों अब हमें बस इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। अभी ये कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट पेश करेगी, ठीक है, जो जो अपडेट जिसको उसके ऊपर आते रहेगा वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। परेशान बिल्कुल ना हो, अगर आप लोगों को शेयर अभी नहीं मिले तो मिल जाएंगे, ठीक है। कल आपका जो पोर्टफोलियो वो प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी एक भी रुपये का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज जो भी था वो हुआ है, ठीक है, कंपनी दोनों कंपनियों के बीच में, ठीक है। अब वो शाम तक और कल सुबह वो पूरा बराबर हो जाएगा और आपको फ्रेश एक नई मोमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था अपडेट। इस अपडेट के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि डेली बेसिस पे इसी प्रकार का बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।